आप देख रहे हैं अनादि टीवी, मैं हूं आपके साथ सानिसा। सुबह 7 बजे की खबरों में आपको बता दें, पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से। दिल दहलाने वाला एक हादसा सामने आया है। भीषण सड़क हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई है। कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ये हादसा हुआ है। आपको बता दें, उन्नाव मंदिर से वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। साढ़ कस्बा क्षेत्र के गौशाला के पास हुआ हादसा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया दुख। राष्ट्रपति ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें, केंद्र और राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है। केंद्र ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद की पहल की है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ा भीषण हादसा सामने आया है। 27 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, कई गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, उन्नाव मंदिर से ये सभी श्रद्धालु वापस लौट रहे थे और साढ़ कस्बा क्षेत्र के गौशाला के पास ये हादसा हो गया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस पूरे हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीरज तिवारी जुड़ गए हैं, कानपुर से हमारे संवाददाता। नीरज, जिस तरह से ये दिल दहलाने वाला ये हादसा सामने आया, 27 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं, क्या अपडेट है अभी तक इन लोगों के लिए? आपको जैसे ही ये हादसा हुआ था, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी बराबर नजर बनाए हुए थे। तुरंत ही उन्होंने अपने दोनों मंत्रियों को वहां पर भेजा और पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर इकट्ठा हो गया इनकी मदद के लिए। घायलों को सीएचसी के, जो कम घायल हैं उनको वहीं सीएचसी में उपचार किया जा रहा है, जो गंभीर रूप से घायल है कानपुर के हेलेट अस्पताल पहुंचाए गए हैं। निश्चित रूप से यह हादसा बहुत ही ज्यादा दुखद है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपया जो मृत हो गए हैं उनको और 50,000 रुपया घायलों को मदद की ऐलान किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज रात को 3 बजे कानपुर में ही सेम ऐसे ही हादसा चकेरी में देखने को मिला, जबकि इस हादसे के बाद साफ साफ मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया था कि किसी भी प्रकार की जो लोडर गाड़ियां हैं उसमें सवारी भर के नहीं जाएंगी। उसके बावजूद ये चूक होते हुए आज रात को 3 बजे एक और हादसा चकेरी में इसी तरीके का होता है, जिसमें 5 लोग मर जाते हैं और 5 लोग गंभीर रूप से घायल है, 10 लोग एक लोडर में भरे हुए। जी नीरज, और जिस तरह से इस हादसे पर जो 2-2 लाख रुपए की मदद केंद्र सरकार ने दी है और घायलों को 50-50 हजार रुपए, निश्चित रूप से ये उनके लिए बड़ा एक सहायता राशि है। और अभी किस तरह का जो अपडेट है, लोग जो 27 है, इसमें और लोगों की मौत होने की आशंका है या सिर्फ 27 लोगों की मौत हुई है, या और कितने लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं? कुल मिलाकर कितने लोग उस हादसे में, उस ट्रैक्टर में बैठे थे? 48 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक जो पूरा परिवार था, बच्चे का मुंडन कराने चंडिका देवी मंदिर जा रहा था, लौटते समय यह हादसा हो गया। पहले शुरुआत में 25 लोग थे, अभी लोग घायल हैं, बढ़कर 27 हो गए हैं। अभी लोगों का उपचार चल रहा है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी मृतकों की संख्या क्या होती है ये तो उपचार के बाद ही पता चलेगा, जिसमें से 11 महिलाएं और 11 बच्चे हैं। जी नीरज, आपका बहुत शुक्रिया और इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए। नीरज, आपको बता दें, बड़ा हादसा हुआ है साढ़ कस्बा क्षेत्र के गौशाला के पास। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और 50-50 हजार रुपए घायलों को आर्थिक मदद की जाएगी।
उत्तर प्रदेश से खबर है कानपुर में बड़ा हादसा।